आप देख रहे हैं इस समय फिलहाल वो इलेक्ट्रिक बसों के रूप में जो सौगात यहाँ पर पीएम की तरफ से मिलने जा रही है, बहुत सारी बात जो है यहाँ शुभारंभ करने के लिए हमारे रिपोर्टर का शुभारंभ ये करनाल के सांसद संजय भाटिया जी यहाँ कर रहे हैं। लाला ये देखा हमारे आज जो है इसका शुभारंभ किया कि जो करनाल वासियों को 5 इलेक्ट्रिक बसें यहाँ मिली है और यहाँ पर शुभारंभ नारे छोड़ करके संजय भाटिया जी ने यहाँ पर किया और शुरुआत जो है कहा जाता है कि क्षेत्रपाल को खुश किया जाता है तो पहले नारियल फोड़ा जाता है, फिर दृष्टान देख रही है उसको बलि के रूप में खुश किया जाता है। काफी फायदा होगा जो ये लग्जरी बसें हैं आज उनको हरी झंडी दिखाई जा रही है। देखेगा ये नाम के तमाम अलग अलग जगहों पर जो रूट होंगे वापसी रहने वाली है, बड़ी चलने वाली है और रहने वाली है। रिबन काट कर जो है बस के अंदर जाते हुए जो कमल सर कमल सर मीडिया वालों को आने दो। अरे चलो चलो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो कार्य किए हैं पिछले 9 वर्षों में वो हम सब उनको भली भांति जानते हैं। चाहे पारदर्शिता की यदि मैं बात करूं, चाहे जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनके यदि मैं बात करूं सम्मान में, जो एक 60 वर्ष से आयु के जितने भी हमारे ऊपर के लोग जो है हमारे उन सबको पूरे देश के अंदर यदि सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है तो केवल और केवल हरियाणा में मिलती है। ऐसे ही नौकरी की बात करें, पंचायतों की बात करें, महिला आरक्षण की बात करें, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास कार्य किए उसके लिए मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूं। और आज भी वो यहाँ करनाल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात इलेक्ट्रिक बसें जो यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है और माननीय हमारे सांसद संजय भाटिया जी इनको यहाँ से हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से पूरे हरियाणा के कई शहरों में जो आज इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूँ। उसको जितनी ज्यादा सवारी मिलेगी उतनी ज्यादा कोशिश होती है, थोड़ी सी असहजता हमारी बेटियों को होती है, लेकिन अब ये इसके आने से आप बैठ के देखना इतनी बड़ी जो लॉन्ग रूट की बसें हैं इतनी बढ़िया बस तो वो भी नहीं है, ये बहुत महंगी बस है और लेकिन इतनी बढ़िया बस है। अब बैठे हुए बिल्कुल कोई आवाज नहीं और शहर के अंदर चल रही है, कोई पोल्यूशन नहीं। ये मुख्यमंत्री की बड़ी दूरगामी सोच है। पिछले दिनों पानीपत में आए, उन्होंने वहां शुरुआत करी, आज करनाल की शुरुआत कर दी, पंचकूला की शुरुआत करने जा रहे हैं और अभी डीसी साहब हिसार से आए हैं तो मेरे को कहने लगे आप हिसार में भी चलवाओ। उसका कारण ये है, लाल दौरे की जमीन की रजिस्ट्री का मामला रहा हो, फैमिली इनकम का मामला हो, प्रॉपर्टी आईडी का मामला हो, एक हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जिसका उदाहरण देश के प्रधानमंत्री अनेक बार देते हैं और मनोहर लाल जी इनोवेटिव आइडियाज के रूप में एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पहचान बनाई है। 7 दिन तक फ्री चलेंगे सर, आपने इशारा किया सीएम साहब को तो ये तो उन्होंने क्रेडिट मुझे दे दिया मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने पहले से सोचा हुआ था लेकिन जब मैंने 7 ऐसे बोला तो उन्होंने वो श्रेय मुझे दे दिया कि संजय जी ने इशारा किया कि 7 दिन फ्री चलाएंगे। वो उनका बड़प्पन है, वो अपने कार्यकर्ता साथी को श्रेय देते हैं। स्पीड कितनी रहने वाली है? स्पीड सिटी के अंदर जो जेनुइन स्पीड है उतनी भी चलना चाहिए, ज्यादा तेज तो ठीक नहीं है क्योंकि लोग पैदल भी चलते हैं, गाड़ी उसमें रिक्शा में चलते हैं। मैं महाशिवरात्रि में एक समरसता का संदेश देना चाहूंगा कि सभी समाज सभी बरादरी मिलकर एक भगवान शिव ने जिस तरह दुनिया की कड़वाहट को दुनिया के जहर को अपने अंदर धन्यवाद।
बाद में देख लो ना किसी ना ये आईडी किसकी है भाई। बहुत अच्छे काम की शुरुआत हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील, मैं समझता हूँ इंसानियत के मामले में बहुत संवेदनशील है। वो आम आदमी की, गरीब आदमी की बहुत चिंता कर रहे हैं कि किस तरह ऑटो के अंदर, ई रिक्शा के अंदर ज्यादा सवारियां होने की वजह से हमारी बहनों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये बड़ी कंफर्टेबल एक बिल्कुल फुल एयर कंडीशनल बस है, सामान्य बसों से भी बहुत महंगी बस है। आप देखेंगे सिटी के अंदर, और ये आज उन्होंने पंचकूला और करनाल की शुरुआत की है। इन्होंने बोला कि मैं हरियाणा के हर शहर के अंदर इन बसों को चलाऊंगा। आज वाकई में बहुत खुशी का दिन है हमारे करनाल के लिए। आइए करनाल वासियों को जो सौगात मिली है, ये एक खुशी का दिन है। तो क्या एक बात यहाँ पर गैर में उभरती है, पूर्व की जो लोकल बसें थी क्या उस प्रकार का आक्षेप तो नहीं होगा? नहीं, जो पूर्व की लोकल बसें थी आप देखिए कितनी खटारा बसें थी, वो लॉन्ग रूट में जो खटारा हो जाती है वो सिटी बस सर्विस में चलती थी। पिछले कई वर्षों से ये ट्रेंड था, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोग अपनी कार को भी छोड़कर इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे। और जो अनुभव पहले पानीपत और यमुनानगर में दो शहरों में आया, मैं पानीपत का कल मैंने एक ड्राइवर से भी बात करी और एक बच्ची जो ट्रेवल कर रही थी उनसे बात करी। मैं टोल के ऊपर खड़ा था, बाईस बस वही थी, वो इतना खुश है, उनको 20 रूपये में पूरा पानीपत को घूम लगे। हाँ, लग्जरी बस है, बहुत अच्छी बस है, बहुत सेफ है। हम बच्चियों के मामले में, बहनों के मामले में बहुत सेफ बस है। धीरे 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 जैसे सिटी बस सर्विस है, इसको एक दूसरे शहरों से भी जोड़ा जाए। फ्री रहने वाले और यमुनानगर में शुरुआत, इसके बाद सर कहाँ हो रही है हरियाणा? अभी वो सारे, अभी आपके सामने मुख्यमंत्री बता रहे थे, हिसार, भिवानी, रोहतक, पांच शहरों का नाम उन्होंने बताया। वो लगभग धीरे धीरे सारे शहर कवर हो जाए। इतना दिन तक फ्री रहेगी सर? किया गया सर जी, ये 5 किलोमीटर तक का 10 रूपये, उसके बाद जितने किलोमीटर बढ़ते जाएंगे हर 3 किलोमीटर के बाद रेट बढ़ाएंगे। महाशिवरात्रि के पर्व में बहुत अच्छी, बहुत आनंद है, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप हम इकट्ठे सफर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और आप ये देखोगे इसमें झटका नहीं लगेगा, ये तो बाई चांस पानी का गिलास मेरे हाथ में नहीं है, अगर पूरा पानी का गिलास भरा हुआ हो आप चलेंगे एक भी झटका लगेगा। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर जो ये बस है। चंडीगढ़ की तर्ज पर मैं, चंडीगढ़ दुनिया के जो बड़े देश है उनके अंदर ये अभी शुरुआत हो रही है जो हरियाणा ने शुरुआत कर दी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जो पूरे देश को सबसे आगे लीड करता है, इनोवेटिव।